A very good morning, children. Today we will do chapter 7 of your composite book term 2. The topic is making light. What is light? Why do we need light? We need light to see the things around us. We can't see anything without light. अपने आसपास देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है. लाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड. दो तरह की लाइट होती है, नेचुरल या मैन मेड. नाउ व्हाट इज नेचुरल लाइट? लाइट दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड द नेचुरल लाइट. एंड द लाइट दैट वी गेट फ्रॉम टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैन मेड लाइट. तो जो रोशनी हमें सूरज से मिलती है उसे हम नेचुरल लाइट कहते हैं. अदर सोर्सेज ऑफ नेचुरल लाइट और क्या हो सकते हैं? आप सर्च करिएगा, एक दो इंसेक्ट्स भी होते हैं जो नेचुरली ग्लो करते हैं. और दूसरा है मैन मेड लाइट, जो इंसान ने बनाया है, जो नेचर से नहीं, जैसे टॉर्च, बल्ब, कैंडल, ये सारे मैन मेड लाइट के एग्जाम्पल्स हैं. Now what you have to do here, you have to write N for natural light and M for man-made light. तो ये आपको होमवर्क है, आपको करना है. फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, यू कैन सी द कार. कार में हेडलाइट जल रही है, तो ये कैसी लाइट है, नेचुरल और मैन मेड? इट इज अ मैन मेड लाइट. सेकेंड आप देख रहे हैं स्काई में सन, ठीक है, तो ये भी नेचुरल लाइट है. थर्ड टॉर्च है, ये मैन मेड लाइट है. फोर्थ फायर, तो ये फायर ह्यूमन बीइंग ने जलाया है, तो ये मैन मेड है. अगर लाइटनिंग होती है तो वो नेचुरल लाइट है. अगर बिजली तड़कती है आसमान में तो नेचुरल लाइटनिंग, लेकिन ये फायर है, ये इंसान ने जलाया है, तो ये मैन मेड हुआ. नेक्स्ट फिफ्थ, स्काई में आप देख रहे हैं नाइट का टाइम है, मून है, तो मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट लेता है. पर ये भी किस तरह के लाइट है? नेचुरल लाइट है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है. मैन मेड लाइट में हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, पर नेचुरल लाइट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. सेवेंथ लैम्प पोस्ट है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड लाइट. लास्ट इज कैंडल, कैंडल भी मैन मेड लाइट है, इसे ह्यूमन बीइंग कैंडल को बनाता है वैक्स के साथ, ठीक है, वैक्स और थ्रेड से कैंडल बनती है और इसको हम जलाते और बुझाते हैं. तो आपने देखा कि मैन मेड लाइट और नेचुरल लाइट क्या क्या होती हैं. नाउ यू अंडरस्टूड द टॉपिक, यू हैव टू डू दिस चैप्टर इन योर बुक. थैंक यू वेरी मच.